बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे, आमीन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्केल 1 से स्केल 16 तक के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है, तनख्वाहों में मज़ीद इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तमाम तर तफसीलात इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं और अपने मुतल्लिका मज़ीद मालूमात को हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकॉन है उस पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। नाजरीन, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% से जायद के इजाफे की तजवीज़ है। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने बजट सफारशात सेनेट को पेश कर दी हैं। कायमा कमेटी बरए खजाना के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडीवाला ने माली साल 2022-23 के बजट सिफारशात पर रिपोर्ट सीनेट में पेश कर दी है। कमेटी ने कहा है कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% से जायद इजाफे की तजवीज़ दी है, जबकि दूसरे स्केल जो 16 से ऊपर वाले हैं उनके लिए यही तजवीज़ दी है कि उनकी तनख्वाहों में 15% का इजाफा किया जाए, जबकि 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इससे ज़्यादा इजाफा किया जाए। अब इससे ज़्यादा इजाफा क्या हो सकता है, क्या 1 से 16 स्केल तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% का मजीद इजाफा होगा या 5% का इजाफा होगा, तो इस हवाले से आप अपनी राय में कमेंट की शक्ल में लाजमी दीजिएगा। क्या इस हालात में मौजूदा हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को मजीद इजाफा दे सकती है? तो ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।